वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आज हम बनाने वाले हैं इसका पार्ट 4। तो ये वाला जो पार्ट है ये ड्रैग प्लेट, तो हम ये वाला पार्ट इस ट्यूटोरियल में बनाने वाले हैं। बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सेक्शन व्यू और यहाँ पर फ्रंट व्यू, तो यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले इसको कट करते हैं, न्यू ओपन करेंगे एंड मॉडल यहाँ से मिलीमीटर यूनिट्स, और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से स्केच लेंगे। स्केच लेने के बाद सेलेक्ट एक वाई जेड प्लेन, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड सेलेक्ट रेक्टेंगल, चूज़ दिस थर्ड फ्रॉम सेंटर रेक्टेंगल, एंड आई एम गोइंग टू डिसेबल दिस कंटिन्यूस ऑर्डर डायमेंशनिंग। ओके एंड द टोटल विड्थ ऑफ दिस मॉडल इज 66, सेलेक्ट लीनियर डायमेंशन एंड सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन एंड दिस लाइन, इट इज 66। ओके नाउ आई हैव टू ड्रॉ एन आर्क सो दैट आई कैन मेक दैट राउंड शेप ओवर हेयर, सो सेलेक्ट 3-point आर्क। ओके आर्क बनाने के बाद यहाँ से सबसे पहले लेते हैं ट्रिम, आई वॉन्ट टू ट्रिम दिस एक्सेसिव पोर्शन। ओके एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, अगेन सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड 66, लीव इट एज इट इज़, एंड द नेक्स्ट डायमेंशन इज सेलेक्ट वर्टिकल। द टोटल लेंथ ऑफ दिस मॉडल इज 90, सेलेक्ट दिस टॉप लाइन एंड देर इज अ पॉइंट ओवर आर्क, सेलेक्ट दैट पॉइंट एंड फीड वैल्यू 90, एंड अगेन सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस सर्कल सेंटर पॉइंट एंड 90/2। ओके अब यहाँ पर जो ये आर्क है इसका ये पॉइंट है, ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से लीनियर डायमेंशन लिया और यहाँ लेता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी लेने के बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालेंगे 0। ओके नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, कंस्ट्रेंट लेते हैं, वर्टिकल कंस्ट्रेंट चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे वर्टिकल और इस पर क्लिक करेंगे वर्टिकल आ जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल है इसको हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। ओके देखते हैं अब इसके अंदर क्या चेंज किया जा सकता है। ओके जो ये वाला पॉइंट है इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने वैल्यू डाली है 0 और यहाँ पे इसका रेडियस है 15, तो यहाँ पर चलते हैं रेडियस लेते हैं और इसको हम लोग डालते हैं 115। ओके तो इसे सेंटर में एक बार लेकर आएंगे। यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेते हैं, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है और यहाँ से ये आना चाहिए 33, तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। ओके तो हमारा ये फुल्ली कंसिस्टेंट हो चुका है, ठीक है, कहीं भी हमारा ये मूव नहीं कर रहा है। और चाहें तो इसको भी डायमेंशन दे सकते हो ताकि फुल्ली कंसिस्टेंट दिखा दे। इसको मैं वर्टिकल ले लेता हूँ, ये पॉइंट है और यहाँ से ये पॉइंट, तो ये रेड हो रहा है और इसको अंडू करते हैं। हाँ यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट है तो इसको भी कुछ डायमेंशन दे दो, तो ये इसी के लिए कंस्ट्रेंट यहाँ पर मांग रहा है। तो यहाँ पे वर्टिकल लिया मैंने ये वाला और ये वाला, ओके तो यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही रहने देंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट शो करेगा। यहाँ से एग्ज़िट होना है, एग्ज़िट होने के बाद एक्सट्रूड वैल्यू है 30, सो एक्सट्रूड करेंगे यहाँ से और इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 30 और ओके अप्लाई और इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से स्केच को कर दिया मैंने हाइड। हाइड करने के बाद यहाँ पर ये होल बनाना है मुझे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये टॉप से बॉटम इसकी मुझे वैल्यू देखनी पड़ेगी कितना ये नीचे है होल, तो ये होल यहाँ पर लगने वाला है, ये जो पार्ट है यहाँ पर फिट होगा, इसके सेंटर में यहाँ पर फिट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से होल का देखूँगा डायमेंशन, ये 14 mm नीचे है तो यहाँ से प्लेन जनरेट करना पड़ेगा 40 mm बिलो फ्रॉम दैट सरफेस, सो 14 है, अप्लाई करेंगे, रिवर्स करेंगे, कैंसिल। ये 12 डायमीटर है, ये 14 डायमीटर है, तो यहाँ पे एक टेपर होल है,
यहाँ पर दिया हुआ भी है 14 डायमीटर 1/50 टेपर। सो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, स्केच लेते हैं, इसी प्लेन के ऊपर स्केच करेंगे और इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, यहाँ से मैं ऑटो डायमेंशनिंग ऑफ कर देता हूँ। और इसको ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डायमेंशन लेते हैं और वर्टिकल ये था हमारा, ये जो ऊपर वाला होल था ये था 12 डायमीटर का, तो मींस यहाँ से यहाँ तक मुझे डालना पड़ेगा 6 ओके, और ये है 14, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 8, सॉरी ये हो जाएगा 7 14 होते हैं। और अब यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पे है अंदर, 15 डिस्टेंस पे है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है इसको डालेंगे 15 और इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो हमारे पास ये लगभग बन चुका है और फुल्ली कंस्ट्रेंट भी हो गया है, तो ये टेपर होल है। और फिनिश करने के बाद वो आपको दिख नहीं रहा होगा ना, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग लेते हैं रिवॉल्व लेने के बाद ये जो स्केच है इसमें ये सेलेक्ट करेंगे, कर्व ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग स्पेसिफाई एक्सिस, ये जो सेंटर वाला एक्सिस है इसको हम वेक्टर डाल सकते हैं, वाई है तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं वाई, ठीक है। और पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहो, कुछ स्पेसिफाई कर दो, तो ये रोटेट हो जाएगा, यहीं पे रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे सबट्रैक ले लेंगे, ठीक है, अप्लाई कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये होल आ गया। इसको हाइड कर देते हैं, ये स्केच को भी हाइड कर देता हूँ। ये जो बड़ा वाला होल है ये होल मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, इधर की साइड में होल रख लिया मैंने। अब इसके अंदर ये काउंटर बोर है, ठीक है ना, एक काउंटर बोर हमें बनाना है, तो यहाँ पर चलते हैं, होल लेते हैं और होल में आएगा हमारे पास सिंपल की जगह काउंटर बोर। अभी मैं इसका डायमेंशन बताता हूँ, ये लगभग 6 mm इसकी थिकनेस है, ठीक है, और ये बाकी का 14 mm अंदर है, ठीक है ना। तो इसमें जो बोल्ट यहाँ पर लगने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसको नीचे की तरफ चलते हैं, इसके अंदर ये वाला बोल्ट लगेगा, सॉरी स्क्रू लगेगा इसके अंदर। तो इसका यहाँ पे डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 6 mm थिक है, ठीक है, और इसका डायमीटर है 30 और ये 22 mm इसका यहाँ से इसकी नीचे से मोटाई है। तो यहाँ पर काउंटर बोर हम लोग डालेंगे, सॉरी ये वाला पेच इसमें नहीं लगेगा, हाँ ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये उल्टा जाएगा और इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम काउंटर बोर लेंगे वो 45 डायमीटर का होगा, ठीक है, 45 डायमीटर का होगा, जो कि 11 mm डेप्थ में जाएगा, ठीक है। बाकी का हम उसको कर देंगे अप टू नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये पूरा अप टू नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 13 mm है और ये होगा 11 mm और ये पूरा अप टू नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर से। तो हम लोग काउंटर बोर का जो डायमीटर है उसे रखते हैं 45, जो कि कितना डेप्थ में जाना है, ये 13 वाला है, इसको 13 डेप्थ डालेंगे। और जो इसका ये नीचे वाला पोर्शन है ये है मेरे ख्याल से 30। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, काउंटर बोर डायमीटर है, काउंटर बोर के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो इसके अंदर जाएगा वो ये वाला है, तो इसका जो बाहर का डायमीटर है 45 आएगा, ठीक है, तो इसको हम 45 डालेंगे। काउंटर बोर की डेप्थ कितनी होगी, काउंटर बोर की डेप्थ है 13, तो यहाँ पर डेप्थ आएगी 13 के बाद जो बड़ा पोर्शन इसके अंदर जाने वाला है वो 33 डायमीटर का है, ठीक है, तो ये 33 डायमीटर है, तो यहाँ पर आप डालेंगे 33। और अब यहाँ से स्पेसिफाई पॉइंट करेंगे, ये जो टेपर होल है छोटा होल मैंने लेफ़्ट में रखा है और ये मैंने रखा है राइट में, ठीक है। तो
इसी हिसाब से मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। इधर की तरफ है ये, छोटा ऐसे लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं सेंटर में इसको रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद मैं यहाँ पॉइंट कहीं स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ, और इसको नॉर्मल कर लेंगे। नॉर्मल करने के बाद अब इसको डायमेंशन कर देते हैं। ये जो टोटल डायमेंशन है यहाँ से क्लोज, ये जो 29 है, ये जो ऑटोमेटिक डायमेंशन आ गई है, इसको हम लोग डाल देते हैं 33, बिकॉज 66 की टोटल लेंथ ये विड्थ है, तो ये 33 आ जाएगा। और जो ये वाला पोर्शन है, हाँ, तो ये वाला आएगा टॉप से बॉटम तक 55। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ डालेंगे 55, सॉरी ये ज़्यादा वैल्यू डल गई, 55, एंटर, और इसको क्लोज, फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पर हमारे पास काउंटर बोर आ जाएगा, और यहाँ से अप्लाई, और यहाँ से इसको करेंगे कैंसिल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और अब इसके अंदर फिलेट भी है, यहाँ पर फिलेट भी दिया हुआ है हमको, रेडियस 15 का फिलेट आएगा। तो एज फिलेट करेंगे, एज फिलेट में जाएंगे और यहाँ डालेंगे 15, और ये वाला जो एज है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये कुछ ऐसे आना चाहिए, ये जो बड़ा वाला होल है ये लेफ़्ट में रहेगा और ये छोटा वाला राइट में, और इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट बनेगा। और यहाँ से आप इसको कुछ चाहे तो कलर भी असाइन कर सकते हो, यहाँ से इसको कुछ कलर असाइन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। अप्लाई और कैंसिल, तो ये हमारा पार्ट बन गया। ये था पार्ट हमारा ड्रैग प्लेट, तो इसको शेडिंग कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा सा भी लगेगा। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल ड्रैग प्लेट के ऊपर। इसको कंट्रोल सेव कर लेते हैं। अभी हमने इसके काफ़ी सारे पार्ट हमने बना लिए हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो पार्ट है, बैक प्लेट भी हमने बना लिया, बेस भी हमने इसके अंदर बेस भी हमने बना लिया, ड्रैग प्लेट भी है हमारे पास, और यहाँ पर ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, तो इसे हम पार्ट 4 के नाम से सेव करेंगे। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ड्रैग प्लेट, ये सेव है मेरा तो ऑलरेडी, खैर, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये था हमारा पार्ट 4। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हम इसके अंदर बनाने वाले हैं, जो कि हमारा 5th ट्यूटोरियल होगा, वो होगा इस टूल होल्डर के ऊपर। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।